भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मैचों की पहली सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को यानी कि आज शाम 7 बजे शंकरपुर स्थित नए श्रीमद माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में खेला जाएगा। यह इस स्टेडियम का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। खास बात यह है कि ग्वालियर में 14 साल बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच होने जा रहा है। इस मैच में आपको तेज गेंदबाज मयंक यादव और हर्षित राणा अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। हमने देखा था कि कल शाम को ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी कहा था कि बांग्लादेश के खिलाफ अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। चूंकि ये सीरीज सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए टीम में कई बदलाव भी किए गए हैं। ऑलराउंडर शिवम दुबे को अभी नहीं खिलाया जा रहा है, दरअसल उनकी पीठ में चोट लगी है इसलिए उन्हें बाहर किया गया है। अब उनकी जगह तिलक वर्मा को कमान मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलने वाले हर्षित राणा ने 20 मैच खेले हैं जिसमें 25 विकेट उन्होंने लिए हैं। वे नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर माने जाते हैं। वहीं अगर हम सीरीज में विकेट कीपर ऋषभ पंत की बात करें तो उन्हें विश्राम दिया गया है। विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को अब मौका मिला है। संजू ने अब तक 30 T20 मैच में 2 अर्धशतक के साथ 444 रन बनाए हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि किस तरह से बांग्लादेश की टीम को ग्वालियर में विरोध का सामना भी करना पड़ा था। बांग्लादेश में जो हालत बने थे उससे लोग नाराज नजर आए थे और टीम का विरोध किया था। हालांकि ये खेल है, खेल प्रेमी इसे किसी अलग अंदाज में नहीं देखते हैं, वो सिर्फ इसको खेल की भावना से देखते हैं। अब आज पूरा भारत यही कामना कर रहा है, देवी से यही पूजा अर्चना कर रहा है कि भारत इस सीरीज पर कब्जा करे और ये मैच भारत के नाम हो।